इंडिया के बारे में दो ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर वन, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर टू, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं, वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन दो फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे, और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो, और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए एक लाइक तो बनता है। एंशियंट टाइम में, यानी पुराने जमाने में, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th century में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना, तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत, तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा, और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फॉक्स, और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम। एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। ये अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उन्हें अक्सर सिटी का टूर कराने वाली बसेस को सड़कों पर चलते देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें हैं जो कि सड़कों पर चल के सिटी का नजारा तो दिखाती हैं। वो अचानक से नदी में उतर जाती हैं और उसके बाद पानी में चल के सिटी का नजारा दिखाती हैं। 2017 से ही आधिकारिक तौर पे नीदरलैंड में इन बसेस को चलाया जा रहा है, जिन्हें हम रीवर बसेस के नाम से जानते हैं। सो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि नासा ने रिसेंटली अपने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी। इसका नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे गए, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतियोगिता का विनर एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की विनीजा रूपानी को घोषित किया गया। उसने इसका नाम दिया इंजेन्युइटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। आपको क्या ये खबर पहले से पता थी और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं।
ये 0 रुपए के नोट RBI ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।